तो दोस्तों एक मिडिल रेंज की गाड़ी जो कि 7 से 8 लाख के बीच में लेने की डिसाइड जो किया है, तो हमने बहुत सोच विचार करने के बाद और जोड़ घटा करने के बाद डिसाइड किया कि बलिनो डेल्टा जो मॉडल है वो बेस्ट रहेगा एक मिडिल रेंज गाड़ी के लिए। तो हमने वो डिसाइड किया था एक हफ्ते पहले, जिसे हमने एक हफ्ते पहले बुक कर दिया था, जिसकी आज हमें डिलीवरी मिलने वाली है। तो आज हम जाएंगे शोरूम में और वहां से लाएंगे हमारी न्यू ब्रांड का, उसके बाद जाएगी वो एसेसरीज के लिए, सजने के लिए। वहां से बिल्कुल तैयार होके आने के बाद मैं पूरी वीडियो अच्छे से दिखाऊंगा। ये गाड़ी हमने ऑर्डर की है मारुति सुजुकी के ऑफिशियल नेक्सा शोरूम से, जो कि जाना जाता है अपने कस्टमर्स को प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए हैं नेक्सा शोरूम में, तो हम चलते हैं फटाफट अंदर। हमने वहां जल्दी जल्दी कर दिए सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और सारे कर दिए दस्तखत, एक एक जगह बढ़िया अच्छे तरीके से सारे ऑटोग्राफ्स ऐसे हवा में बांट दिए, और पेमेंट करने के बाद हम फटाफट गाड़ी लेके हम बाहर आने ही वाले हैं। अब हो रही थी रजिस्ट्रेशन और हम कर रहे थे वेट, सारा पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद तो हम वेट हमसे किया नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो हम सामने खड़ी गाड़ी को हम ऐसे निहार रहे थे जो कि ऑलरेडी वहां पे एक शो के लिए खड़ी थी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद हमें हमारी मिल गई थी गाड़ी की चाबी, और बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी हमें साथ के साथ मिल गई थी। बची थी बात इसके अंदर कुछ थोड़ी मोटी इसके अंदर काम करने की, जो कि इसके छोटे मोटे जो काम थे, जैसे कि इसकी नंबर प्लेट वगैरह लगाना, टेम्परेरी जो नंबर प्लेट लगती है वो नंबर प्लेट लगाना, और छोटे मोटे COVID-19 की वजह से यहाँ पर किया जा रहा था इसे अच्छे से सैनिटाइज। सारे प्रोसीजर्स होने के बाद और सारे सेफ्टी मेजर्स चेक करने के बाद हमें फाइनली हमारी गाड़ी मिल गई है, और अब हम जाएंगे इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए और अपने घर की तरफ, और उसी के बाद जाएगी ये गाड़ी कल अपने सारे के सारे छोटे मोटे जो सामान गाड़ी के अंदर लगते हैं वो लगवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी हमें बिल्कुल मिली है नीट एंड क्लीन, इसके अंदर कुछ भी हमने वहां से नहीं लगवाया। घर आते आते हो गया था और अंधेरा। हम इंडियन लोग जुड़े हुए अपनी धरती माता से, और कोई भी चीज घर के अंदर लाने से पहले उसका स्वास्तिक बना के उसका स्वागत किया जाता है, और बहुत ही अच्छे से उसके नींबू और नारियल फोड़ के सारे सेफ्टी मेजर्स लेते हैं कि आगे लाइफ में फ्यूचर में कभी दुर्घटना ना हो। और हम वेट कर रहे थे कि कब फटाफट सारे काम खत्म हो और हम निकले गाड़ी को लेकर रोड पे, हम देखने के लिए कि कितनी स्पीड ये चलती है, क्या इसके फीचर्स हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी गाड़ी की सारी फीचर्स जो डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल।